फ्लेवर ये एक दाल वाली पूरी है, ये मीठी पूरी है और ये नमकीन पूरी है। ले जी आ चुके हैं दही भल्ले, जबरदस्त लग रहे हैं यार। क्या बात है यार, वाह। आज अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैसल राणा एक बार फिर से नए व्लॉग के साथ, और आज हम करेंगे मुल्तान का नाश्ता। बड़ा स्पेशल नाश्ता है ये, आपने बड़ा मशहूर सुना होगा मुल्तानी सोहन हलवा। इसके पास ही एक भाई बैठे हैं जिनका नाम है अल्लाह वसाया, और ये हलवा पूरी और सुबह का नाश्ता लगाते हैं। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं इनका नाश्ता कैसा है, तो आपको भी दिखाते हैं। चाहती हूँ दिखता रहे इन आँखियों को ये चेहरा तेरा, चाहती हूँ दिखता रहे इन आँखियों को ये चेहरा तेरा। ले ये एक दाल वाली पूरी है, ये मीठी पूरी है और ये नमकीन पूरी है। साथ में इन्होंने दिया है बड़ा मज़े का हलवा, सूजी का हलवा समझ होता, और ये है चने और आलू की तरकारी या भुजिया जो भी आप बोल सकते हैं। तो अभी ट्राई करते हैं और इसको देखते हैं। ले ये दाल वाली पूरी आप देखें, ओए होए होए क्या ज़बरदस्त, अंदर दाल भरी हुई है इसके, और जो है वो बड़ी मज़े की लग रही है। मिर्चें आई थिंक हल्की सी लाल मिर्चें इसके अंदर, दाल है और ये थोड़ा मीठा और नमकीन टेस्ट देगी हलवे के साथ। ऑब्वियसली हलवा जो है वो मीठा है, तो अभी ये हलवा ज़रा ट्राई करते हैं। और साथ में इसके लगाएंगे तरकारी, ओए ये देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ओए हो क्या बात है यार, अल्लाह वसाए की सुबह का नाश्ता हलवा पूड़ी सुपर कमाल। नहीं जी अब ट्राई करेंगे मिट्टी पूरी। तो मिट्टी पूरी जो है ये वही मैदे के अंदर रहती है, इन्होंने शुगर डाला, और जो है इसको ट्राई करेंगे हलवे की बजाय। हलवे के बजाय जो है इसको साथ में ट्राई करेंगे हम चनों के। तो ये चने और आलू की तरकारी आप देख सकते हैं, और क्या कमाल आलू की तरकारी और ये चने हैं। ये आलू की तरकारी के साथ ओ अब हम ट्राई करेंगे सादी पूरी, जो कि असल में मेरी फेवरेट है। मुझे जो है सादी पूरी बड़ी कमाल लगती है, हेल्दी चॉइस है, थोड़ा घी इसमें कम होता है। और ये हलवे के साथ आ गए, साथ में लगेगी इसके तरकारी, और इससे मिल जाएगी आपको जॉब सरकारी। नहीं ये मजाक था। ले जी कमाल हो गया। चाचा बाग की लस्सी और के लिए वाह मजा आ गया।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, और इस वक्त हम खड़े हैं मदीना यखनी पुलाव जो कि कैंट में वाक़ है, और इनकी पुलाव यार कमाल। आप कहोगे एक बार आओ ज़रूर ट्राई करो, मुझे काफ़ी रिकमेंडेशन आई थी कि यार आपने जो है इनकी यखनी पुलाव ज़रूर ट्राई करनी है। मैंने जो है वो मौका हाथ से नहीं ज़ाया किया और मैं पहुँच गया यखनी पुलाव के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो है यखनी पुलाव किस तरह का और उसके टेस्ट की रेसिपी आपको बताऊँगा, तो चेक करते हैं मेरे साथ। नहीं जी, हमारी यखनी पुलाव जो है वो आ चुकी है और बड़ी ही कमाल लग रही है, बट मैं आपको ये चख के बताऊंगा कि यार ये कितनी कमाल है। ये साथ में इन्होंने दी है शामी, और ये है जनाब रायता। रायते सलाद के बग़ैर जो है वो इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल काम नहीं करता, मज़े का नहीं लगता, इसलिए हम ज़्यादा सारा डालेंगे रायता। और मेरे मुंह का पानी जो है वो रुक नहीं रहा, और ये बड़े वाला स्कूप मैंने ये भरा जनाब चम्मच में, और आप देख ही सकते हैं। ओहो ले, ये अब जाने लगा है चावलों के साथ मुँह में और कमाल हो जाएगा। अच्छा, वो जो वे प्रोटीन है ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, अगर मैं स्मॉल अमाउंट में लेता हूँ फिर ठीक है, वरना वो मेरा कमाल है। देखो बिल्कुल सही होता है, सब होता है, ये उसके साथ होता है जिसको थोड़ा मिलता। कमाल है यार, वाह मज़ा आ गया। दही बल्ले जो कि अल मशहूर ज़िक्रिया दही बल्ले, बड़ी ज़बरदस्त शॉप है, दौलत गेट चौक में है, किले के बिल्कुल साथ है। किला जो है वो किला कोना कासिमबाग, जहाँ पे ओल्ड क्रिकेट स्टेडियम था, जहाँ पे भी रिसेंटली इमरान खान का जलसा भी हुआ है। तो चले देखते हैं, इनकी स्पेशलिटी जो है वो दही बल्ले है, लेकिन ये फ्रूट चाट और अदर सैलड भी बेचते हैं, बट मैं आज इनके ट्राई करूँगा दही बल्ले। तो खाते हैं दही बल्ले। ले जी, आ चुके हैं दही बल्ले, ज़बरदस्त लग रहे हैं यार। ऐसे तो मैंने कई दफ़ा खाए और बड़े कमाल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये प्याज है, ऊपर सलाद है इसके, नीचे बूंदी वाले दही भल्ले, ओ हो हो हो। और ये बड़े वाला भल्ला, ओए होए हो, वाह यार वाह। तो खाते हैं, भी टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको। ले जी यार, ये कमाल लग रही है दही भल्ले, देखें ये चने भी डले हुए हैं, इसमें बूंदी डली हुई है, सलाद क्या भर के डाली है जवान ने, और ये प्याज के साथ खीरे, और ये टमाटर डले हुए हैं बूंदी के साथ। जो है मसाला मैंने थोड़ा तेज़ रखवाया क्योंकि ज़रा चटपटे मज़े के लगते हैं। तो ये अभी खा के आपको बताते हैं जी कैसे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद ज़िक्रिया दही भल्ला, अमेजिंग, बहुत ज़बर। खड़े हम यहाँ स्पेशल बर्गर शॉप है घंटाघर चौक में, और भाई का बर्गर का स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ शामी है, अंडा है, चिकन भी डलवा सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली चिकन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मैं अंडा और शामी वाला बर्गर लूँगा और टेस्ट करके आपको बताऊँगा कि भाई कैसा है। मुल्तान आओ तो ये घंटाघर चौक पर भाई शाम को बैठो। क्या टाइम क्या होगा यहाँ पर? 7 बजे से कितने बजे तक? 4 बजे तक। 7 से सुबह 4 बजे तक, ज़बरदस्त। हाँ जी, ये माशाल्लाह से यार क्या बर्गर लग रहा है मेरा भाई,
इस बर्गर के अंदर अंडा है, ये अंडा देख सकते हैं आप। ओए होए होए यार वाह, शामी की परत है नीचे और ये प्याज की सलाद है। अभी मेरा भाई खा के बताता हूँ आपको कैसी बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। क्या बात है यार, कमाल कर दिया, वाह जबरदस्त। यार एक अच्छे खाने के बाद नदीम भाई के हाथ का पान, ये नदीम भाई इनके हाथ का पान ना खाया तो क्या खाया। लबों की शान नदीम भाई के पान। इसके साथ ही फैसल नाना को इजाज़त दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखो, स्टे सेफ स्टे हेल्दी और चैनल सब्सक्राइब कर लो। क्या भाई।